بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन टेस्ट बैच ए 2025 के टेस्ट के हवाले से ये वीडियो है, जिसमें एकेडमिक टेस्ट के तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड हैं। इससे पहले भी इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस से मुस्तफीद हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बगौर रीड आउट करें और इनकी प्रिपरेशन करें ताकि आपका आने वाला पेपर जो है वो आसान साबित हो। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, What is odd man out in bull, mare, cow, hen? तो इन सब में से जो डिफरेंट है उसका आंसर है बुल, तो आपने इन ऑप्शन में से बुल चुनना है। अगला सवाल है, What comes next in the series? 3, 53, 53, 53, 40, 40 and खाली जगह। तो इस जगह पे आएगा 27 and 27, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू डैश, तो इसमें आंसर आपका आएगा फ्रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑड मैन आउट इन 12, 22 and 5, तो इसमें आंसर है 5, 5 जो है वो ऑड है, बाकी सब इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन फुट लेंथ मीटर एंड किलोमीटर्स, इसमें आपका आंसर आएगा लेंथ। अगला सवाल है, इफ 10 मेन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 डेज देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी 3 मेन इन 3 डेज, तो ये आपने कवर करना है, ये आपने कैलकुलेट करना है कि 10 आदमी 10 किलोमीटर का सफर 3 दिन में कवर करते हैं तो कितना डिस्टेंस वो जो है वो 3 आदमी 3 दिन में कवर करेंगे, तो ये आपने कैलकुलेशन इसकी करनी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ऑड मैन आउट इन कैब FDELIKUTS, इसमें से आप जो अल्फाबेट्स के जो सीक्वेंस हैं उसमें से आप चेक करें तो UTS जो है ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी इज टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज टू डैश, तो एज न्यूज़पेपर इज टू रीड, तो इसमें आपका आंसर रीड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर वर्ड ऑफ द इफेक्ट इज डैश, तो इसका आंसर है कॉज, इफेक्ट का सिनोनिम पूछा गया है जो कि है कॉज। व्हाट इज ऑड मैन आउट इन फिश क्रोकोडाइल फ्रॉग हेन, तो इन सब में से जो आपका डिफरेंट है, बाकी वाटर में लिविंग वाले जो है जानदार हैं, हैन जो है इसमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज अलॉय एज डैश, तो ब्रास जो है वो अलॉय है, किस किस चीज़ का है, तो इसमें कॉपर और जिंक को अलॉय जो है वो ब्रास है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 63, 48, 35 and 15, तो इसमें सीरीज कंप्लीशन में आपका आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिमिलर वर्ड ऑफ इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का जो सिनोनिम्स है वो है फ्लेक्सिबल। वन मेगा इज इक्वल टू डैश, तो वन मेगा इक्वल होता है 10^9 पे। अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश, इसका आंसर है सिंगल सेट। नेक्स्ट है, इफ अ वैल्यू इज एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड डैश, इसका आंसर है एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degrees देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें आंसर आपका आएगा कंप्लीमेंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 80 डिग्री देन इट इज कॉल्ड डैश, तो ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगला क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांसपोज ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक इसका जो है वो आंसर आएगा. अगला सवाल है, होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश, इसका आंसर है डायमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज डैश देन इट इज पॉजिटिव, इसको आपने लिखना है पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिसेस डू नॉट ओबे लॉ, व्हाट इज दैट लॉ, इसका आंसर है इनवर्स लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है. नेक्स्ट है, एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज कॉल्ड डैश ऑफ सेट, तो इसका आंसर है नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है. अगला सवाल है, द पुलिस अरेस्टेड द मैन डैश हैड स्टोलन द ज्वेल्स, तो इसमें ये इंग्लिश प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा वू, द पुलिस अरेस्टेड द मैन वू हैड स्टोलन द ज्वेल्स. फिर अगला सवाल है, द बॉय डैश लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग, तो इसमें आएगा वूज, द बॉय वूज लेग इज ब्रोकन. अगला क्वेश्चन है, डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गिव मी ग्लास ऑफ जूस, तो इसमें आएगा वू. अगला सवाल है, शी इज गोइंग टू स्लीप वूम द ड्रामा डैश, वूज द ड्रामा एंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शी इज कुकिंग फूड डैश द किचन, तो इसमें आएगा इन द किचन. अगला सवाल, द वॉच डैश यू बॉट वॉज ब्यूटिफुल, तो इसमें आएगा विच, द वॉच विच यू बॉट वॉज ब्यूटिफुल. नेक्स्ट है, आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश आई गो टू बेड, तो इसमें आएगा आफ्टर. अली हैज डैश टू ड्रिंक, तो इसमें आएगा अली हैज सेम थिंग टू ड्रिंक. नेक्स्ट है, दे आर डैश देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली डैश फॉर कार्स, अली हैज फोर कार्स, तो इसमें आएगा हैज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश हार्ड ऑल द डे, दे वर्क हार्ड ऑल द डे. नेक्स्ट है, आई कुड नॉट फाइंड इट डैश, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, इसमें आएगा. अगला सवाल है, यू कैन वेट हेयर डैश आई कम बैक, तो इसमें आएगा अनटिल, यू कैन वेट Here until I come back. Next question है, English is dash here. English is spoken here. Next है, K2 is dash highest place. K2 is the highest place. तो friends, आज की videos में इतने ही questions थे. नेक्स्ट मज़ीद भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द मैं चैनल की प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा. आप ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.
Thanks for watching and wait for the next video.